ये बताएं आप मुझे। अच्छा सर, उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चांद बनाते? एक मिनट, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं, आपको उधर मुसलमान मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं? वो नहीं नजर आ रहे आपको? हमारे मुसलमानों पे, मैं आपको जवाब देता हूं, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। इमरजेंसी ट्रेड करवा के उनसे मांगी मेडिसिन, हम गए हमारे यहाँ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर से अल्लाह उन्होंने हमको बताए थे। मैं बस ये दुआ दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ सर, क्योंकि नफरतें खत्म करनी है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का वीडियो। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं। और ये बहुत ही यूनिक आदमी है जो इस समय भारत के बारे में बात कर रहा है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा मजा मिलेगा। और ऐसे जाहिल लोग बहुत कम ही मिलते हैं जिनका वीडियो हम लोग लेकर आते हैं, उनको हम लोग रिप्लाई करते हैं। तो वीडियो देखते हैं। आपको पता, हमने इमरजेंसी ट्रेड करवा के उनसे मांगी मेडिसिन, हम गए हमारे यहाँ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर से अल्लाह उन्होंने हमको बताए थे। मैं बस ये दुआ दे सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ सर, क्योंकि नफरतें खत्म करनी है, क्योंकि मुसलमान ने नफरतें अपने भाइयों मुसलमान आप मेरे प्यारे भाई हैं, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। हमने यहाँ से मैसेज देना नफरतें खत्म करने का, हमने पीस कायम करना, मोहब्बत भाईचारा पैदा करना चाहते हैं हमारी सिर्फ अपने पाकिस्तान के लिए। आई लव पाकिस्तान। एक मिनट, आई प्राउड पाकिस्तान। बस मेरा भी प्राउड पाकिस्तान है, आई लव टू पाकिस्तान मोर देन यू। लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, अगर हिंदुस्तान के साथ नफरत करके नहीं है, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दूसरे किसी मुल्क से नफरत भी नहीं करता सर। मैंने आपने मुझे क्वेश्चन खुद किया था कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी का, मैं कहा यार आई हेट हिम, मुझे वो बुरा लगता है। तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, अगर रिलेशन हमारे बिल्ड हो जाते हैं, आज मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पर बात करने का ये है कि रिलेशन बिल्ड करके साथ हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते, वो हमारे मजहब के साथ वो दुश्मनदारी करते। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखने चाहिए, जैसा कि ये कह रहा है। जो दवाइयाँ आज पाकिस्तान जाती हैं दुबई के रास्ते, इन लोगों को चाहिए कि तुरंत उसको जो है बिल्कुल खाना बंद कर दे, चाहे इनका बच्चा मर जाए, चाहे ये मर रहे हों, लेकिन इनको बिल्कुल भी जो है हिंदुओं की बनाई हुई दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये मेरा भी मानना है जैसा कि ये कह रहे हैं। और जो ये लोग भीख मांगते रहते हैं ना कि हमें अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, हमें अपना जो है ट्रीटमेंट कराना है, हमें ये सारी चीज़ें करानी है, उसके लिए लोग जो वीज़ा मांगते रहते हैं वो भी तुरंत बंद कर देना चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ लोग जो हैं और जो है दूसरों से नफरत करते हैं, इतना ज़्यादा नफरत करते हैं धर्म के नाम के ऊपर, उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर इतना तुमको धर्म से धर्म मिलाकर सामान लेना है तो तुम चाइना से सामान क्यों लेते हो? मर लो, जो कपड़े पहने हो वो भी चाइनीज हैं, जो मोबाइल है तुम्हारा वो भी चाइनीज है, जो सारी चीज़ें तुम यूज करते हो सब काफिरों की बनाई हुई है, दूसरे धर्म के लोगों की बनाई हुई है, इनको मत यूज करो। पाषाण युग में चले जाओ, नंगे घूमो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि तुम कुछ बना तो सकते नहीं हो। पैरासीटामॉल तुम्हारे यहाँ पे शॉर्टेज होती है, वो तो तुम बना नहीं सकते हो। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो कि जो है हम दूसरे जो मजहब वाले हैं उनसे सामान नहीं लेना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। के साथ हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते, वो हमारे मजहब के साथ वो दुश्मनदारी करते हैं, हमारे मजहब को बुरा भला। उधर इंडिया में कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप मुझे ये बताएं। आप मुझे अच्छा सर, उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट नहीं, उधर क्यों नहीं चांद बनाते? एक मिनट, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं। नहीं, आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं, आपको उधर मुसलमान मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं? वो नहीं नजर आ रहे हैं? हमारे मुसलमानों पे, मैं आपको जवाब देता हूं, मुसलमानों में जुल्म करा रहा है, हमारे कश्मीरियों में जुल्म करा रहा है, मैं आपको जवाब देता हूं। इतना बड़ा बेकूफ आदमी है कि इसको भारत के नाम से, नरेंद्र मोदी के नाम से इसको नफरत है। भारत का कोई मुसलमान दिक्कत में नहीं है, ये आपको सिर्फ दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है तुम्हारे यहाँ पर दिक्कत में। हर महीने में ब्लास्ट होता है, 200-300 मुसलमान मरते हैं उसमें। अगर टोटल ब्लास्ट हर महीने में ला लो तो तुम्हारे यहाँ पर 200-300 आदमी मर जाता है ब्लास्ट की वजह से। और तुम बात करते हो भारत के मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तुमने कभी अपने यहाँ पर जो ब्लास्ट होते हैं उसके लिए कभी स्ट्राइक की, हड़ताल की, कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? लेकिन तुमको सिर्फ भारत की चिंता है। एक्चुअल में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होता है वो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर होता है। जितनी नॉन मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर जो मुसलमान है एकदम सेफ रहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्री हैं वहीं पर एक दूसरे को ये लोग आपस में मारते हैं। अपने यहाँ पर देखो, भारत में देखने की आपको जरूरत नहीं है। बोलने तो दें, हम आप मुझे बोले आपने होने की बात है, तुम ही बोलो। अब मैं बोलता हूँ सर, जुल्म की बात करेंगे आप। कराची के अंदर कुछ एक महीना पहले की बात है, दो मंदिर तोड़े गए, हुआ ना?
हुआ ना? मुझे नहीं पता फैसला, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पता है लेकिन हमारे अपने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। अच्छा। गलत चीजें, बुरी चीजें यहाँ पर भी है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ सियालकोट के अंदर क्या हुआ। एक बंदे को जो कि नॉन मुस्लिम था, जो कि हिंदू था, उसको मारा गया, रोड पर आग लगा दी गई। मुझे नहीं पता। एक हुआ ना, हुआ ना, हुआ। मंदिर के बारे में पता, कराची के मंदिर? सुन ले, सुन ले, सुन ले, मैं पीस के लिए आया हूँ, मैं पीस के लिए आया हूँ, बात करने का पर्पस ये है। इतना बदतमीज आदमी है कि जब इसके देश की कमियां जब गिनाई जाने लगी तो कह रहा हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? तुमको भारत के बारे में सब कुछ पता है लेकिन अपने देश के अंदर क्या हो रहा है ये तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं, इनको सब पता होता है, लेकिन जब इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तो फिर ये इनको कहना पड़ेगा कि गलत हो रहा है। और ये कहेंगे नहीं कि हिंदुओं के साथ में पाकिस्तान के अंदर गलत हो रहा है, क्योंकि ये मानते हैं जो हो रहा है उनके साथ में सही हो रहा है। आप देखिए ना, हिंदुओं से कितनी नफरत इनके मन के अंदर है, इसी वजह से कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है, क्योंकि माइक है, कैमरा है, और यहाँ के ऊपर ये कह नहीं सकते कि जो हो रहा है हिंदुओं के साथ पाकिस्तान के अंदर वो सही हो रहा है, मंदिर सही गिराया जा रहा है, इसी वजह से कह रहा हमें नहीं पता है। मंदिर के बारे में पता, कराची के मंदिर? सुन ले, सुन ले, सुन ले, मैं पीस के लिए आया हूँ, मैं पीस के लिए आया हूँ, बात करने का पर्पस ये है कि अगर कीड़े उठाएंगे तो दोनों तरफ है। वो हमसे सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुओं की तादाद 21% थी, माइनस होगा, कम होगा, 1% रह गई, बाकी हिंदू कहाँ गए? सर दोनों तरफ है नफरतें, गलत चीज़ें दोनों तरफ हैं। मेरे भाई हैं आप, मेरा रिसर्च है दिन भर का, मैं दिन भर में 100 लोगों से मिलता हूँ, मेरा मेरा काम ही यही है पीस पैदा करना। मैं नफरतों से कुछ भी नहीं मिला। ये दिन है हमारी जाति का, आप भी जाति करें 14 अगस्त की, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाति को पीस 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 यही है कि भाईचारे से रहना चाहिए, हमें अमन अमन इख्तियार करना चाहिए, किसी को हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि हम किसी जानवर को भी उसके बगैर रीजन पे कोई वट्टा नहीं मार सकते, जानवर के ऊपर, ये तो हम फिर इंसान है। जानवर को नहीं मार सकते हैं लेकिन बम बांध कर खुद पाकिस्तान में उड़ जाएंगे और 10-20 लोग को और उड़ा लेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ये हो भी रहा पाकिस्तान के अंदर। बहुत आप कुछ कह रहे हैं। और पहले तो सबको जश्न आदि मुबारक, ठीक है, पहले तो हमें मोहम्मद अरबी से प्यार से तहल्लुक से पेश आना चाहिए, ठीक है, जिस बाती तो हर कोई हो जाता है अपने 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 ईमान, बस दुआ करो अपने ईमान की फादर फरमाए, और इंशाल्लाह वक्त तो गुजर ही जाना है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये भी निकाल देगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कामयाब हुआ है और हमेशा कामयाब होगा, मेरी दुआ है। हमेशा कामयाब हुआ है और हमेशा कामयाब होगा, सिर्फ भीख मांगने में, बाकी कुछ करने में नहीं। आज 75 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सिर्फ भीख मांगने में कामयाब हुआ है, बाकी कोई ऐसा उसका काम नहीं रहा है जिसमें वो कामयाब हुआ हो। तो ये बातें भी बिल्कुल मत करो कि हमेशा कामयाब हुआ था, हमेशा कामयाब होगा, सिर्फ भीख मांगने में, बस इतना पूरा सेंटेंस बोला करो, आधे बोलने से कोई फायदा नहीं। निकाल देगा इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कामयाब हुआ है और हमेशा कामयाब होगा, मेरी दुआ है, और हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के साथ हैं, कभी जब तक हम एक ना होते, पहली बात जब तक हम एक ना होते ये मुल्क को कोई डिफॉल्ट कर सकता, और दूसरा हम, और मैं कहता हूँ जज्बाती बना बना के लूटा गया। अगली बात ये है कि हम सबको ना अपने कश्मीरी भाई के दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह वो भी आज़ाद होगा, तो मैं उनके लिए दुआ करूँ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब एक हो जाए ना, एक हो जाए तो कोई भी हमें, अब एक होंगे 76 साल हो यार, हम मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जब हम कहते हैं ना इंशाल्लाह तो हम हो जाएंगे, इंशाल्लाह का मतलब है इंशाल्लाह। बहुत मेरी बात सुनो, बहुत दुश्मन आते हैं, बहुत मुनाफ़त आते हैं, लोग मनाई डाल ही देते हैं बीच में, तो इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि अपना ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान से प्यार करें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखा भाई, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं से कश्मीर के ऊपर आ जाते हैं, इनको अपने देश की चिंता नहीं, अपने देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, लास्ट में घूम घुमा कर आ गए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ने तो बोल दिया पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, यही हो जाए चलो भैया, इसी के साथ साथ भारत के अंदर पाकिस्तान का विलय हो जाएगा, जिस तरीके के ये लोग नारे लगा रहे हैं, मतलब कैसे बुद्धि के लोग हैं, हमें अपने ईमान की रक्षा करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान से प्यार है, उसके बाद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये बंदा ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को हम सबसे अच्छा कंट्री बनाएंगे दुनिया का, जो यहाँ पर दिक्कतें हैं वो ख़त्म करने के लिए हम काम करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं है, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या बेकूफों वाली बातें। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, आज़ादी का मौका। एक बात इसमें भी कर लेते सर, कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए केजी मिल रहा है, यहाँ पर 160 का, 160 का नॉर्मल आदमी खा रहा है, क्या वो 25 को छोड़कर 160 यार, हम मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने यार, अल्लाह पाक ने ना हमें बड़ा नवाजा हुआ है, हम अल्लाह पाक ना हमें ट्रैक्टर नवाजते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने, हमने रोना रोना धोना नहीं,
ये महंगाई है ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर कर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खत्म होगी, ये महंगाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत जो है ना वो अल्लाह का है, और इंशाल्लाह रिज़्क किसके जिम्मे है, अल्लाह के, अल्लाह ने हमें रिज़्क देना है, और इंशाल्लाह ये चीजें सस्ती हो जाएंगी यार इंशाल्लाह, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पाक बहुत जल्दी हमें तरक्की देगा। अल्लाह ताला ये मुल्क चल रहा है अपने खुदा के उनपे, हमें अपने खुदा के ऊपर चल रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ 71 को हमें सर हमें यही हमारे जज्बात, जो मर्जी को लूटे, जो मर्जी को लूटे अल्लाह फिर खजाने को भर देता है, जो मर्जी को लूटे। सर 71 में हमसे बांग्लादेश छीन लिया गया, हम आंखें बंद करके देख रहे हैं, खोल के नहीं देख रहे, हमें आंखें खोलने की जरूरत है, हम इतना नुकसान, बड़ा नुकसान करवा लिया हमने सर, हमें ऐसा आप मुझे जवाब दें इसी बात का, आप जवाब दें क्या होकर क्या करना चाहिए आप बताओ, हमें फैसला करना है। छोड़े एक छोड़े माइक छोड़े, चले ऐसे चले, मैं एंकर हूँ, आप बताइए क्या करना चाहिए। सर हमें ये करना चाहिए, सबसे पहले हमें हिसाब लेना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम पर। सबसे पहले तो हमें नफरतें खत्म करने की जरूरत है, नफरतें उससे जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं। सबसे पहले आप अपने पड़ोसी के साथ बुरा करेंगे, आप कभी सुख में रहेंगे? हमने कौन से पड़ोसी से बुरा किया यार? भाई कैसे जाहिल लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कौन से पड़ोसी के साथ बुरा किया। अफगानिस्तान के साथ में आपने क्या किया? भारत के साथ में आपने क्या किया? ईरान के साथ में आपने क्या किया? ईरान को आपने तेल लाइन जो थी उसको जो है आपने डिनाई कर दिया अमेरिका के प्रेशर में आकर। आज़ादी दिवस मना रहे हो ना, लेकिन आज़ाद हो नहीं, अमेरिका के गुलाम ही हो, तभी तुमने वो लाइन जो है जो प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया उनके कहने के ऊपर। दूसरा जो यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, अब भैया एजुकेशन सिस्टम का उन्होंने बताया तो आप कह रहे हो कि हमने किसके साथ बुरा किया? अफगानिस्तान को आपने बर्बाद नहीं किया अपने यहाँ पर अड्डे देकर? भारत में आतंकी हमले नहीं करवाए आपने? कश्मीर के अंदर आपने आतंकवादियों को नहीं भेजा? ये सब कौन कर रहा था? ये सब आप ही कर रहे थे। ये गिनाने बैठा जाएगा ना तो पूरी लिस्ट जो है फुल हो जाएगी, पूरी कापियाँ भरेंगी जो जो आपने कारनामे किए हुए हैं, और आपको यही नहीं पता है, इतना मासूम बनते हो, हजारों लोगों को मारने के बाद में ऐसा जो मासूमियत वाला चेहरा जो बनाते हो ना, इससे घिन ही आती है। बुरा हमने किसी के साथ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ जो रिलेशन खराब है उनको बिल्ड करने का जरूरत है, रिलेशन खराब है। आप मुझे बताएं इंडिया के साथ चार जंगें लड़ी क्या हासिल किया, किसको ज्यादा नुकसान हुआ, हमें या फिर उन्हें? अगर इंडिया, मेरी बात सुने, अगर इंडिया हमसे हाथ बनाना चाहता है तो फिर वो हमारे मुसलमानों के ऊपर क्यों जुल्म कर रहा है? अगर हमसे हमदर्दी जिताना चाहता है तो फिर हमारे कश्मीर मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहा है, मुझे ये बताएं। आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर, सॉरी, जो कराची के अंदर, आप कराची नजर आ रहा है, इंडिया मुसलमान नजर आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, दो बंदों को डिस्कस कर रहे हैं, बात सुनो, मैं दो करोड़ बंदों की बात कर रहा हूँ यार, मेरी जान, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। दोनों तरफ मामला खराब है। यहाँ तो मामला इतना खराब ही नहीं है, जो 21% हिंदू कहा। अगर आपको मीडिया कश्मीर की वीडियो दिखा दे जो वो मुस्लिम काट रहे हैं मुसलमानों पर, तो आप और मैं जी नहीं छोड़ दें। चले सर, आप मेरे भाई हैं, आपसे कोई वैर नहीं। इनको अगर कश्मीर की वीडियो जो दिखाई गई है, इनको ये पता चल जाए कि वो सब झूठी हैं, इनको मक्कारी से वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो इनके होश उड़ जाएंगे। आज का जो कश्मीर है उसको देखने के बाद में इनकी आंखें खुली रह जाएंगी, और ये सोचने लगेंगे कि हम किस तरीके से कश्मीर के अंदर चले जाएं जिससे हमें जो सहूलियत हैं, जो वहाँ पर सुविधाएँ मिल रही हैं, वो हमको मिलने लगे। ये जो तकला है ना, इसका पूरा दिमाग जो है इसी बालों के साथ में इसका साफ हो चुका है। ये मतलब इस तरीके की बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि ये जन्नत के अंदर रह रहे हैं और कश्मीर जो है वो जहन्नम है। अरे बलूचिस्तान की तरफ थोड़ा मुंह करके देख लो ना, तुम्हारे चेहरे के ऊपर काली फूट जाएगी। सिंध की तरफ मुंह करके देख लो ना, थोड़ा सा तुम्हारा सिर नीचा हो जाएगा। और तुम बात करते हो भारत के मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों को कोई चिंता ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं तुम मर रहे हो मरो, तुमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है, हमारे बारे में मत सोचो। लेकिन ऐसे जाहिल बेकूफ गवार लोग होंगे जिनको अपने देश से नहीं मतलब है, दुनिया भर के लोगों से मतलब है, तब इसी तरीके का नतीजा निकलेगा, इसी तरीके का देश बनेगा, और इसी तरीके के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर दुनिया भर में जाके भीख मांगेंगे कि हमारे देश के अंदर कुछ है नहीं। जब इस तरीके के जाहिल लोग हैं तो फिर इस देश को कैसे तरक्की हो सकती है, पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है, आप हमको बताइए। तो ये बहुत ही जाहिलियत वाली बात करें, हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम्हारे बाप के मुसलमान हैं जो भारत के अंदर रहते हैं, तुम पैदा किए, तुम्हारे बेटे हैं वो सब, पहले तुम आपस में जो है वहाँ साथ में नहीं रहते हो, तुम बता रहे हो कि भारत के मुसलमान तुम्हारे मुसलमान हैं। एक बार बात करके देखना यहाँ के जो मुसलमान हैं उनसे, तो तुमको औकात तुम्हारी पता चल जाएगी। इसी तरीके से तुम कहते हो ना सऊदीया तुम्हारे बाप का है,
और वहाँ जाते हो भीख मांगते हो, तुमको भगाया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है, चोरी करते हो, फ्रॉड करते हो। इसी तरीके से तुम कहते हो तुर्की तुम्हारा है, तभी तो लात मार के तुम लोग को निकालते हैं वहाँ से, सब तुम्हारा ही है। सब कहीं भीख मांगने जाओगे, फ्रॉड करने जाओगे, चोरी करने जाओगे, कहोगे हमारा है। इसी वजह से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम दूसरे को कह देते हो हमारा है, उसके बाद में उसके घर में जाके बम ब्लास्ट कर देते हो, चोरी कर लेते हो, फ्रॉड कर लेते हो, उनके लड़कियों को छेड़ते हो। ये है तुम्हारी हकीकत, कोई तुम्हारा नहीं है, ना तुमको कोई अपना समझता है तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुम भारत के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। ओवरऑल इसमें आपने देखा कि जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सिंसियर नहीं है, सोच नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ भारत और कश्मीर की पड़ी हुई है, बाकी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उनके देश के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं के बारे में बोलने को तैयार नहीं है, हिंदुओं के जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं सिर्फ भारत के मुसलमानों के ऊपर। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनके बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं। अल्लाह के फजल से ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। इसी वजह से बांग्लादेश अलग हो गया था कुछ दिन में, बलूचिस्तान, फिर सिंध, फिर लाहौर। वाले कहेंगे कि अरे ये मुल्क तो हमें अल्लाह ने दिया था और ये अल्लाह ही चला रहे हैं, ठीक है लाहौर है तो हमारे पास ठीक तो है, हम तो रह तो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता है कि ऊपर वाला जो दे रहा है खुश रहो, भीख मांगो, खाओ पियो, सो जाओ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।